सेटअप। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सूर्यकांत, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब यहाँ खेतों के बीच क्या कर रहे हैं। जी हाँ, ये खेत तो लग रहा है लेकिन खेत है नहीं। दोस्तों ये है डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन का पीछे का वो हिस्सा जो सालों साल गंदगी, मलबा और तमाम तरह के गंदगी से पटा हुआ था, और इसको 10 वर्ष मैंने कोशिश की कि इसको किस तरह से उपयोगी बनाया जाए। कई इसमें कानूनी बाधाएं थीं, बहुत सारी प्रशासनिक बाधाएं थीं, लेकिन ये बहुत बड़ा पिछला हिस्सा है जो बहुत दिनों से ऐसा ही नेग्लेक्टेड पड़ा हुआ था। आज आपको दिखाता हूं कि यहाँ क्या क्या है। ये आप सामने देख रहे हैं, ये देखिए भुट्टे लगे हुए हैं, आप नीचे देख रहे हैं ये लौकी की बेल है और ये तुरई की बेल है, यहाँ देखिए भिंडी लगी हुई है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा सुनील हाँ वो फोकस करिए, देखिए ये भिंडी है आप देख सकते हैं, भिंडी ताज़ी भिंडी लगी हुई है, और ये सब ऑर्गेनिक तरीके से की हुई यहाँ पर सब्जियाँ हैं। आप ऊपर देख सकते हैं ये भी कद्दू की बेल लगी हुई है, भुट्टे फिर दिखाई दे रहे हैं, और आगे चलते हैं। आइए, पिलर्स एक सेमी फिनिश बिल्डिंग के आप देख रहे हैं, इसमें अभी कोशिश की जा रही है कि इसके सहारे हम बेल चढ़ा दें, और इन बेल से अगली बार हम वीडियो आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर फूल लगे होंगे। और यहाँ पर एक औषधि वाटिका का निर्माण किया गया है जिसमें तुलसी और दूसरे जो मेडिसिनल वैल्यू के हर्बल प्लांट्स होते हैं वो लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ जब आप इधर आएंगे तो बहुत से हमारे जो एलुमनाई फ्रेंड्स हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन KGMU से जिन्होंने MD किया है, वो पिछले 24 अप्रैल 2022 को यहाँ आए थे, और जब आए थे तो शाम को यहाँ पर एक टी पार्टी हुई थी, वो इस गार्डन में हुई थी। आप ये देखिए, ये गार्डन जो है यहाँ भी बहुत मलबा और ढेर सारा कूड़ा करकट पड़ा हुआ था, लेकिन कुछ बाधाओं से यहाँ कुछ डेवलप नहीं हो पा रहा था, ये ग्रीन जोन नया डेवलप किया गया है। और मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार दोबारा, सुनील फोकस करिए वहाँ पर, रोटरी क्लब पे, रोटरी क्लब ऑफ लखनऊ को, जिन्होंने पूरी सहायता की है। उनकी सहायता से ये 5 जून 2022 यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन हमारे मंत्री हैं, वो भी डॉक्टर मंत्री हैं, डॉक्टर अरुण कुमार जी बरेली से 3 बार MLA हैं, और उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, इस हर्बल पार्क का, रोटरी रेस्पिरेटरी हर्बल पार्क का। और आज आप देख सकते हैं कि यहाँ भी बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर गार्डन डेवलप किया गया है। इसके साथ ये भी एक एरिया है जो पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी कोशिश की जा रही है कि पिलर्स के सहारे बहुत सारी चीज़ें जो बेलें हैं वो चढ़ाई जा रही हैं। एक सुंदर से फूल और गेज यहाँ पर पैदा कर दी गई है, और ये घास लगा दी गई है, और कोशिश की जा रही है कि शाम को लोग यहाँ, हमारे रेजिडेंट्स, हमारे जूनियर डॉक्टर्स बैठें, हेल्थ केयर पर बैठें, और बैठ के यहीं पर चाय पिए, यहाँ पे नाश्ता करें, सुबह का नाश्ता करें, शाम की चाय करें। तो हम सभी के मिलजुल के, हमारे फैकल्टी मेंबर, रेजिडेंट और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स सबका मिलजुल कर ये प्रयास है, जिसके प्रयास से आप ये देख रहे हैं कि ये एरिया, जिस एरिया को मैं कोई आना भी नहीं चाहता था, उस एरिया को आज एक, मेरे ख्याल से दुनिया का ये पहला मेडिकल कॉलेज होगा जिसमें ये ऑर्गेनिक आप खेती भी देख सकते हैं, हर्बल गार्डन भी देख सकते हैं, और बैठने की एक बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है ही। बहुत से लोग यहाँ आते हैं, यहाँ देखते हैं और यहाँ पर बैठ के चाय पीते हैं। दोस्तों नमस्कार।